Hey, what is up everybody, welcome back to another video of sports news. Hope all are doing good guys. थोड़ा कुछ दिन डिले हो गया वीडियो, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था. सो गाइस, कोई नहीं, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ढेर सारे स्पोर्ट्स न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. होप सबको मैं आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड से अपडेट करा पाऊँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, आज हम पहले बात करेंगे BCCI के कुछ अपडेट्स के बारे में. BCCI ने लेटेस्ट अपडेट दिया है गाइस, कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का पॉजिटिव है, कितने का क्या टेस्ट किया है, आप पोस्ट करके देख लीजिएगा. और वहाँ में से गाइस 13 टेस्ट पॉजिटिव मिला है, जिसमें से दो प्लेयर्स हैं, एक चेन्नई सुपर किंग्स का ही है गाइस. क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अभी 10 मेंबर पॉजिटिव निकले हैं, ठीक है, तो 13 में से सोचिए 10 मेंबर ही चेन्नई सुपर किंग के हैं और उसमें से एक प्लेयर चेन्नई सुपर किंग का है. सो गाइस, दूसरा न्यूज़ निकल के आया है कि सुरेश रैना जी ने मतलब अब इंडिया लौटेंगे वो, और ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो इस साल IPL नहीं खेल पाएंगे पूरा सीजन गाइस. अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में. गाइस, मुंबई इंडियंस ने अपना पहला नेट सेशन कल कर लिया. उनका पहला नेट सेशन कल से शुरू हो गया है, कल सैटरडे से, तो शायद अब वो करेंगे रोज. गाइस, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का T20 सीरीज के बारे में. गाइस, काफ़ी समय बाद इंटरनेशनल T20 लौट आया है. कल मैच हुआ इसका पहला, जबकि लेकिन बारिश के वजह से कोई रिजल्ट नहीं निकला. फिर उसमें भी जितना भी गेम हुआ गाइस, उसमें टॉम बेंटन ने हाई स्कोर किया, वो है 71 रन्स, और काफ़ी अच्छा चल रहा था गाइस मैच, पर बारिश की वजह से ये नहीं हो पाया पूरा. और गाइस, इसका दूसरा मैच ये सीरीज का आज है शाम को 6:45 से, और इसका आखिरी मैच होगा 1 तारीख को 6:45 से, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा लाइव गाइस. तो गाइस, अब हम बात करते हैं T20 विडेलिटी प्लस के बारे में. गाइस, ये एक इंग्लैंड का T20 डोमेस्टिक लीग है, जैसे IPL होता है इंडिया का, उसी तरह से गाइस ये एक लीग है T20 डोमेस्टिक इंग्लैंड का, जो कि 27 अगस्त से शुरू हो गया है. पर इसके काफ़ी सारे मैचेस बारिश के वजह से नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है गाइस. और आप ये इसको लाइव देख सकते हैं 6:30 PM से स्काई स्पोर्ट्स चैनल पे, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, नाउ TV, स्काई गो एप्लीकेशंस पे, या फिर डरहम और लैंकशायर के यूट्यूब चैनल्स पे गाइस. अब हम बात करेंगे गाइस CPL T20 के बारे में. गाइस, इसका भी हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हो चुका है ये टूर्नामेंट का. और गाइस, इसके पहले शुरुआती मैचेस में काफ़ी अच्छे अच्छे रन बन रहे थे, पर अभी एक ही पिच में हो रहा है ये, इसलिए अभी काफ़ी स्लो हो गया है पिच, और टर्निंग भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, इसलिए काफ़ी कम रन बन रहे हैं. पर देखिए आगे क्या होता है. पर गाइस, इसका आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से है. ट्विन बैग और नाइट राइडर सबसे टॉप पे है. तो गाइस, देखते हैं कौन पहुँचते सही प्ले ऑफ्स पे. ओके गाइस, तो गाइस अब हम बात करते हैं NBA के बारे में. तो गाइस, NBA के कल के कुछ मैचेस देखिए कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पॉज करके. अब हम बात करेंगे प्रिंसपाल सिंह के बारे में गाइस, जो कि पहला इंडियन और पहला फर्स्ट NBA ग्रेजुएट है, जो कि NBA जी लीग को ज्वाइन किया है. और NBA जी लीग के प्रेसिडेंट का ये मानना है कि ये काफ़ी अच्छा करेगा अपने प्रोफेशनल कैरियर पे. तो गाइस, अब हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में. सो गाइस, एल्बर्ट रोका जो कि हैदराबाद FC के हेड कोच थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी इस साल ख़त्म हो गया है जनवरी का, और गाइस ये अब ज्वाइन करेंगे बार्सिलोना FC को एज ए कोचिंग स्टाफ. गाइस, काफ़ी दुखद न्यूज़ है हैदराबाद FC के लिए, शायद अब नहीं कह सकते क्या होने वाला है. चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे चेस ओलंपियाड के बारे में. गाइस, चेस ओलंपियाड में पहली बार इंडिया फाइनल पहुंच गया है. पिछला बेस्ट जो था वो था ब्रॉन्ज मेडल, वो भी 2014 में. उसके बाद इस बार 2020 में पहली बार गाइस इंडिया पहुंच गया फाइनल चेस ओलंपियाड के. सेमीफाइनल में पोलैंड को हराया इंडिया ने, और गाइस अब हो गए हैं कन्फर्म्ड हम कि हमें गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये अब पिछला बेस्ट का ऑब्वियसली तोड़ेगा ही.
तो गाइस अब हम बात करेंगे द यूएस ओपन के बारे में। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया था आप सबको, यूएस ओपन शुरू होने वाला है कल से 31 अगस्त से। जैसा कि आप लोग देख सकते रहे हैं, मैन सिंगल होगा, फिर वुमेन सिंगल, उसका मैंस डबल, फिर वुमेन्स डबल। फिलहाल के लिए सिर्फ मैन सिंगल और वुमेन सिंगल का दिया है और ये आपको दिखेगा 8:30 बजे से हॉटस्टार पर लाइव गाइस। अब हम बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी बार्कलेज प्रीमियर लीग के बारे में गाइस। तो गाइस यहाँ इसके फ्रेंचाइज लोग ने काफ़ी प्लेयर्स का ट्रांसफ़र किया इधर से उधर, और आप लोग भी देख सकते हैं हॉटस्टार पे जाके इसका मोस्ट ट्रांसफ़र एक्सपेंसिव ट्रांसफ़र कौन से प्लेयर का हुआ। ठीक है गाइस, आप लोग इसको हॉटस्टार में फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस अब हम बात करेंगे फॉर्मूला वन के बारे में। तो गाइस इसका बेल्जियन जीपी ग्रैंड प्रिक्स शुरू होने वाला है आज से। तो इसका गाइस क्वालिफाइंग में भी लुइस हैमिल्टन ने फिर से पोल हासिल कर लिया है और एक पहले उस पर है। तो गाइस ये आज से शुरू हो रहा है, डू चेक इट आउट ऑन द हॉटस्टार, इसको भी आप हॉटस्टार से फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि मैं आप सबको अपडेट करा पाया हूँ स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल कुछ रिसेंट दिनों के न्यूज़ से। तो गाइस इसी तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाइव।